भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का इतिहास अनगिनत वीर गाथाओं से भरा हुआ है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी की नींव में ऐसे अनगिनत नायकों के बलिदान छिपे हैं जिनकी कहानियां वक्त के साथ धुंधली हो गई। इनमें से एक महत्वपूर्ण अध्याय बुंदेलखंड अंचल के उन क्रांतिकारियों का है जिन्होंने सागर जिले के राहतगढ़ किले में अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी थी। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी मेरठ से भड़की थी, लेकिन बुंदेलखंड में इनकी लपटें झांसी से उठी। 27 जून 1857 को झांसी के झोकन बाग में क्रांतिकारियों ने 100 से अधिक अंग्रेजों को मारकर विद्रोह का शंखनाद किया। इस विद्रोह की खबर फैलते ही सागर में भी क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। सागर में तैनात ब्रिटिश सेना की 42वीं और 33वीं बटालियन ने शेख रमजान के नेतृत्व में बगावत कर दी, जिससे अंग्रेजों को सागर के किले में शरण लेनी पड़ी। राहतगढ़ का किला, जो सागर से लगभग 25 मील दूर था, उस समय अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना था। जब क्रांतिकारियों ने इस किले पर कब्जा किया तो इसका प्रभाव पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ा। क्रांतिकारियों के इस साहसिक कदम से सागर, खुरई, हिमलासा और मालथौन जैसे क्षेत्रों में भी विद्रोह की लहर दौड़ गई। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जनरल ह्यूरोज को भेजा, जिसे महू इंदौर में सेंट्रल इंडिया फोर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया था। ह्यूरोज ने सैन्य बल के साथ राहतगढ़ की ओर कूच किया, जहां उसका सामना बुंदेलखंड के योद्धाओं से हुआ। राहतगढ़ के किले में 49वीं पैदल सेना के विद्रोही सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। हालांकि ब्रिटिश सेना ने किले को चारों ओर से घेर कर सुबह होते ही गोलीबारी शुरू कर दी। 3 घंटे तक चले इस भीषण युद्ध में ब्रिटिश सेना ने किले में मौजूद विद्रोही सैनिकों को घेर लिया, लेकिन राहतगढ़ में घिरे कुछ क्रांतिकारी अपने साजो सामान के साथ निकलने में सफल रहे। इस युद्ध के बाद पकड़े गए 24 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने किले के मुख्य द्वार पर फांसी पर लटका दिया। इनमें प्रमुख नाम अम्बा पानी के जागीरदार फाजिल मोहम्मद खान का था, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर दिए।